हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो फिर से हम लेकर एक धमाकेदार सॉल्यूशन फॉर योर क्लच। क्लच के लिए हम जो है एक और वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में सब कुछ मिलेगा आपको। ये फिलहाल जो मशीन है ये कर रही थी साउंड, और ये किस तरीके की साउंड करी वो भी हम आपको सुनाएंगे। और वीडियो को करते हैं स्टार्ट, उससे पहले मैं बता देता हूँ, मैं आपका दोस्त आशीष और आप देख रहे हैं घर का टेक XYZ। वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाक से। तो ये जो खटखट की आवाज़ आप सुन रहे हैं बीच बीच में, यही है इसकी प्रॉब्लम। और ये किस किस तरीके से आती हैं, क्लच में क्या क्या परेशानी आती है वो भी बताएंगे। फिलहाल उससे पहले और साउंड आप सुनिए फ्रंट से। आपने सुनी हुई आवाज़ फ्रंट से भी बिल्कुल खट खट और ज़्यादा तेज़ हमें सुनाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ अंदर टकरा रही है, और इसके बाद हम डर जाते हैं, अपने टेक्नीशियन को कॉल करते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो जो है डरना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये क्लच जो है और भी परेशानी इसके अंदर ला सकता है। उससे पहले पहले इसका रिपेयर कराना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। फिलहाल इस वीडियो में हम करेंगे पूरे क्लच का रिप्लेसमेंट, क्योंकि रिपेयर करने के बाद क्लच कामयाब नहीं होते हैं। अगर आप पैसा लगा रहे हैं उसमें तो पैसा जो है बर्बाद ना करें, क्लच को रिपेयर ना ही कराएं, बिल्कुल न्यू में चेंज कराएं। और मज़ा इसके बाद आने वाला है, ओरिजिनल हमेशा लगवाएं। ओरिजिनल लगाएंगे तो बेटर बैठेगा, और लोकल में क्या परेशानी थी वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल हमारे सामने अभी है इस तरीके से हमारा क्लच, जो कि इस तरीके से फिट होता है। यहाँ पर इसके बेल्ट और मोटर के साथ में कनेक्ट रहता है, इन दोनों के बीच में आपस में रोटिंग रहती है एक दूसरे के लिए। और यह है क्लच जो कि हम हाथ से आपको दिखा रहे हैं समय। और यहाँ पर जो है इसी के इक्विपमेंट्स हैं साथ में, ये जो है सेटिंग यहीं पर बैठा नहीं होती सही से, अगर ये गलत हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। यह है ड्रेन मोटर हमारी, और ड्रेन मोटर के साथ और यहाँ पर हमारी ड्रेन असेंबली होती है जिसे कि साफ करना जरूरी है। अगर क्लच बदल रहे हैं तो यहाँ पर देख लीजिए गंदगी वगैरह है, उसे भी जो है साफ करना जरूरी होता है। ड्रेन असेंबली है पूरी की पूरी, और देख सकते हैं राइट साइड में आपको मोटर दिख रही होगी। इस मोटर को जो है पानी वगैरह से बचा के रखना होता है। और जो बोल्ट अभी हम खोल रहे हैं, ये ऊपर फ्रेम है, फ्रेम में गोटी की सहायता से इसके बोल्ट को हमें खोलना है। 10 नंबर के बोल्ट है, 10 नंबर की गोटी इसमें लगेगी, और इस फ्रेम को हम डालेंगे साइड को, और उसके बाद हम फिर आएगा हमारा क्लच अंदर की तरफ। तो हम फटाफट इसे खोल लेते हैं पहले। इस तरह से हो जाता है ये फ्रेम अलग, ऊपर को आप उठाएंगे उड़ जाएगा ऊपर की साइड को, और इसे हटा देंगे साइड में क्योंकि इसका कुछ ऐसा काम है नहीं। और इसे हटाने के बाद जो है आप खोलते हैं इसके क्लच के बोल्ट, जो मेन बोल्ट हैं ये 13 नंबर की गोटी से खुलेंगे, और 13 नंबर के बोल्ट हैं, और 13 नंबर की गोटी से हम इसे खोल रहे हैं जैसे अभी खोल रहे हैं। तो इन्हें भी खोल लेते हैं फटाफट। इन बोल्टों को खोलने के बाद अब बचता है हमारा बेल्ट, बेल्ट और जो मोटर साफ में जुड़ी हुई है जो कि मैंने अभी आपको बताया था, उसे कुछ इस तरीके से हम खोल लेंगे। एक साइड से उठाना है हल्का सा, और धीरे धीरे से घुमाना है, और निकल जाएगी हमारी बाहर को बेल्ट, और यह आ गया हमारा क्लच। इसे आसानी से हल्के से हिला के ऊपर को उठा लेना है, और ये क्लच है पूरा। देख सकते हैं आप किस तरीके से, ऐसे देखने में आपको कोई फॉल्ट ये दिखाई नहीं देगा इसमें, लेकिन इसमें दिक्कत फिलहाल जो दिखाई थी हमने वो साउंड की, वही प्रॉब्लम थी इसमें। और इसमें जो है कभी कभी काला भी हो जाता है अंदर, पानी वगैरह इसमें घुस जाता है, तो वो आपको नॉर्मली देखने को मिल जाएगा। फिलहाल अभी जो है इसमें साउंड की प्रॉब्लम हो रही है अंदर से, इसकी सेटिंग गलारी वगैरह जो है ख़राब हो जाती है। एक लाइफ होती है इनकी भी ख़राब, कभी ना कभी हो ही जाता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपकी वॉश क्वालिटी पर कि आप वॉश कितनी करते हैं, और कभी ना कभी तो इसे ख़राब होना ही। हर चीज़ का एक टाइम होता है, और वही इसका टाइम था जो कि अब ख़राब हो चुका है। आप बदलेंगे इसमें नया, तो जैसे मैंने बताया ड्रेन असेंबली जरूर क्लीन कर लें। इस तरीके से हम भी यहाँ पर ड्रेन असेंबली यहाँ पर क्लीन कर रहे हैं, जो कि PVL आपने देखी हुई ब्लैक कलर की, वो चेंज कर लें। और यहाँ पर जो है हमारे पास आ गया जेन्युइन, ये LG की मशीन है इसलिए हमने जेन्युइन पार्ट यहाँ पर मंगाया है। लिखा हुआ है देखिए, सील भी अभी हमने नहीं खोली है, डू नॉट एक्सेप्ट इफ सील इज ब्रोकन। तो इसे हम ओपन कर लेंगे बॉक्स को फटाफट, और फिर उसके बाद निकाल लेंगे नया क्लच इसके अंदर से। ओ आ गया हमारा बिल्कुल नया क्लच बाहर की तरफ को, जैसे कि हमने आपको बताया नया यूज करना है बिल्कुल, इसलिए हम आपको सीधे सीधे वीडियो में दिखा भी रहे हैं यार कि नया यूज कर रहे हैं बिल्कुल। देखिए बिल्कुल चमकता हुआ है एकदम से, और आपके सामने हमने इसकी सील भी ओपन करी है, और आपके सामने बॉक्स से इसे निकाला है, देखिए कितना चमक रहा है, बिल्कुल एकदम न्यू है। तो न्यू है हमेशा चेंज करें, क्योंकि आगे आपको काम लेना है। अगर आप रिपेयर कराएंगे तो फिर कुछ टाइम बाद फिर से खराब हो जाएगी, हर चीज़ की एक लाइफ होती है। अगर आप लोकल लेते हैं तो उसमें यार सेटिंग सही से नहीं बैठ पाती, इसलिए जो है हमेशा ओरिजिनल ही यूज करें, वरना आवाज़ आपकी उसमें आती रहेगी लोकल वाले में हमेशा। तो ये ग्रीस जो है इस तरीके से यहाँ पर ग्रीसिंग लगा लेनी है, और पहले से आई है तो उसे ऐसे छोड़ दें, क्योंकि ये काफ़ी बढ़िया करके चलना जो है बहुत ही ज़रूरी होता है। इसे बिल्कुल एकदम से चिकना रहना जरूरी होता है इस तरीके से ड्रेन असेंबली के आसपास, और क्लच के नीचे का हम यहाँ साफ कर लेंगे बिल्कुल कपड़े की सहायता से, और इस तरीके से जैसे हम अभी रख रहे हैं बिल्कुल इसी तरीके से रख लेंगे। और यहाँ पर जो उंगली लगाकर हम आपको बता रहे हैं, इसे बीचों बीच इन दोनों के बीच में बोल्ट के और इसके बीच में, और जो छेद दिख रहा है यहाँ पर के नीचे बिल्कुल इसे फंसाना है एक जेट। अगर ये सेटिंग आपकी गड़बड़ हो गई तो पूरा क्लच आवाज़ करता रह जाएगा, आप रह जाएंगे परेशान नया बदलने के बाद भी, इसलिए हम ये चीज़ बिल्कुल बता रहे हैं। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा गहनता से देख लें, अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर से जो है दोबारा
रिपीट करके देख ले, वाला जो है हिस्सा आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बैठाना है जैसा बैठा हुआ था। फिर हम लगा देंगे हमने 13 नंबर के बोल्डों को बढ़िया करके बिल्कुल एकदम फिट जैसे कि हमने पहले निकाले थे। और काफ़ी एक्सपीरियंस है हम लोगों को ओपन करने का और निकालने का, इसलिए जो है हम जो है किसी साइड से बोल्ड कस लें, लेकिन आप जो है पहले हल्के बोल्ड कस लें चारों तरफ के, उसके बाद या फिर आमने सामने क्रॉस में आमने सामने आप जो है चेंज कस लें बढ़िया करके, वरना जो है टाइट ना करें एकदम, हल्के हल्के लूज रहने दें, उसके बाद में लास्ट में अगर आप ढंग से कसें वरना सेटिंग यहाँ पर भी थोड़ा सा गड़बड़ रह जाती है। अब बेल्ट का चढ़ाना भी यहाँ पर देख लें, बेल्ट चढ़ाने में भी काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बेल्ट चढ़ाने के लिए भी सेम जैसे हमने उतारी थी इस तरीके से साइड में फंसाएंगे और इसे घुमा देंगे हल्के हल्के, चढ़ जाएगी बेल्ट हमारी। कुछ लोग क्या करते हैं साथ में चढ़ाना चाहते हैं एकदम से बिल्कुल, और टाइट से ना रहने दें ज़्यादा, टाइट करेंगे जैसे हमने अभी हाथ से आपको बताया लूज रहना चाहिए, इस तरीके से थोड़ी सी लूज यहाँ पर रहना ही चाहिए, इसे थोड़ा बहुत छोड़ दें। और ये क्लिप जो है इसे भी लगा लें, पहली बार चीज़ है आसानी से लगा लें बढ़िया करके, इसे ना भी लगाएंगे कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे फ़र्क पड़ता भी है। क्या फ़र्क पड़ता है वो आपको बताते हैं। कभी आसपास यहाँ पर जो है ये जो बेल्ट है, जो कि हम अभी आपको बता रहे थे कि बेल्ट यहाँ पर जो है सही से लगा लें, वो ये पत्ती जो है बेल्ट को सपोर्ट देती है, ये कभी ऐसा होता है कि बेल्ट उतर सकती है तो उसे उतरने से रोकती है, सपोर्ट देती है दोनों साइड से, इसलिए हमारी बेल्ट कभी उतरती नहीं है। अगर हैवी लोड भी हम अंदर रख देते हैं तो उसके बाद भी बढ़िया करके चलती है, कभी बेल्ट उतरने की जो शिकायत है वो नहीं आएगी, इसलिए क्लिप रखी हुई है यहाँ पर। इसे ना भी लगाएंगे कोई दिक्कत ऐसी आने वाली नहीं, लेकिन कभी बेल्ट उतर गई तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए सपोर्ट है इसे ध्यान से लगा दें यहाँ पर। और उसके बाद फिर से कस दें बोल्ट बाहर के 10 नंबर की गोटी के साथ में जैसे कि हम अभी कस रहे हैं। ये जो रेड वाला एरिया है, इस रेड एरिया को आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना है, अगर यहाँ छेड़ाखानी कर दिया आपने तो आप परेशान रह जाओगे पूरे क्लच के साथ में, कि आप सोचो क्लच ही खराब आ गया है, तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम कर देगा आपको, इसे छेड़े छाड़े ना करें। यहाँ पर अगर ग्रीस है जहाँ पर लगा हुआ है वहाँ पर ग्रीस अगर है तो सही है, नहीं है तो लगा दें जरूर। ड्रेनेज सेट भी आपकी क्लीन कर दें, मशीन को बिल्कुल क्लीन कर लें, अगर गंदी है तो बिल्कुल साफ सफाई इसकी कर लें, इसके बाद आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। फिलहाल हमने इसका क्लच चेंज कर दिया, क्लच चेंज करने का प्रोसेस यही है, अच्छे तरीके से करना है तो इस तरीके से आपको करना है। साथ में सर्विस जरूर कर दें पूरी वाली, जैसे अगर नहीं देखी वो वीडियो केमिकल वॉश वाली तो वो जरूर देख लेना, उस तरीके की सर्विस आपको करनी है। मिलते हैं अगले किसी और अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। और मशीन को चला कर जरूर देख लेना यार एक बार, अगर आपने ये क्लच चेंज कर दिया उसके बाद वॉश वॉश करके देख लें कोई आवाज़ तो नहीं आ रही है, अगर सेटिंग में गड़बड़ी है तो कोई दिक्कत आपको आ रही है तो हमें मैसेज जरूर करना, आपकी हर तरीके से सहायता करेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी जरूर बताएंगे। दोस्तों फिर से बाय बाय।